हेलो गाइस, वेलकम टू F90 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। आईएसएल से जुड़ी और इंडियन फुटबॉल से जुड़ी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिए और अपने फुटबॉल फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू। तो आज का पहला अपडेट NUFC की तरफ से ही देने जा रहा हूँ। NUFC से खबर आया है कि क्लब में मार्को बालबुल एज ए हेड कोच ज्वाइन कर चुके हैं और जल्दी ये न्यूज़ ऑफिशियली भी अनाउंस हो जाएगा। आखिरकार हमें NUFC के तरफ से ये जल्दी ही सुनने को मिलेगा और उसके बाद NUFC भी अपने स्क्वाड को स्ट्रेंथन करने के लिए नए नए ट्रांसफर्स भी स्टार्ट कर देंगे। हालांकि अभी विदाउट ए कोच क्लब ने कोई भी बड़ा साइनिंग नहीं किया है और ये सही भी है, लेकिन जल्दी ये ट्रांसफर्स का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सो इसके लिए स्टे ट्यून विद अस। सो NUFC न्यूज़ के बाद चलिए देख लेते हैं कुछ ट्रांसफर अपडेट्स। दोस्तों, आज का पहला ट्रांसफर अपडेट निकल के आया है उड़ीसा FC से, जो है एक स्पेनिश फॉरवर्ड पेड्रो मार्टिन। मार्टिन ने अपना यूथ करियर मालागा, एटलेटिको मैड्रिड जैसे क्लब से स्टार्ट किया और स्पेनिश लीग जैसे ला लीगा टू प्रीमियर RFEF जैसे लीग्स में टेनेरिफ, सेल्टा बी, मिरांडास जैसे कई क्लब्स के तरफ से एज ए फॉरवर्ड खेले और खासकर एटलेटिको मैड्रिड के तरफ से ला लीगा में भी खेले। नेक्स्ट अपडेट इज फ्रॉम FC गोवा। गोर्स ने साइन किया है स्पेनिश विंगर एंड अटैकिंग मिडफील्डर आइकर ग्वारोत्सेना को। एटलेटिको बिल्बाओ के ये यूथ प्रोडक्ट अपने सीनियर करियर में एटलेटिको बिल्बाओ बी, टेनेरिफ, मिरांडेस जैसे क्लब्स के तरफ से ला लीगा 2 में खेलने के साथ साथ कई स्पेनिश क्लब के तरफ से स्पेनिश 3rd and 5th डिवीजन लीग्स में खेल चुके हैं। साथ में पोलिश टॉप टायर लीग एक्स्ट्रा क्लासा में क्लब पोगोन, ग्रीस टॉप टायर लीग बोलोस एंड ऑस्ट्रेलियन ए लीग में वेस्टर्न यूनाइटेड में भी खेलने का एक्सपीरियंस है। लास्टली, रॉयल स्पेनिश फुटबॉल फेडरेशन एडमिनिस्टर्ड स्पेनिश 3rd tier प्रीमियर RFEF में लोग्रॉन्स के तरफ से खेल रहे थे, जहां उन्होंने 38 अपीयरेंसेस में 14 गोल स्कोर किए थे। ट्रांसफर न्यूज़ में नेक्स्ट अपडेट है केरला ब्लास्टर FC के तरफ से। केरला ब्लास्टर FC ने साइन किया है एक ग्रीक ऑस्ट्रेलियन फॉरवर्ड, जो है एपोस्टोलिस जियानू। एपोस्टोलिस जियानू ने अपने क्लब करियर में ग्रीक टॉप टायर, 2nd tier एंड 3rd tier लीग में पेनियोनियोस, कावाला, एपोलोस कालामारिस, OFI, एस्टरास ट्रिपोलिस के साथ खेल चुके हैं। देन ही मूव टू चाइनीज सुपर लीग्स क्लब जुआनवो एंड देन सिप्रस फर्स्ट डिवीजन क्लब AEK लारांसा FC और लास्टली ऑस्ट्रेलियन ए लीग में मैक आर्थर FC के तरफ से खेल रहे थे। हिज ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ गोल स्कोरिंग इज रियली अमेजिंग। OFI के सिवा शायद ही ऐसा कोई क्लब है जहां उन्होंने गोल स्कोर नहीं किया है। ये खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया एंड ग्रीस नेशनल टीम के भी हिस्सा रह चुके हैं। लास्ट ट्रांसफर अपडेट फॉर टुडे इज फ्रॉम मुंबई सिटी FC। मुंबई सिटी FC ने साइन किया है 34-year-old ऑस्ट्रेलियन सेंटर बैक डिफेंसिव मिडफील्डर रॉस्टिन ग्रिफिथ्स को। अपना क्लब करियर इंग्लिश 2nd tier, 3rd tier, स्कॉटिश टॉप टायर लीग से स्टार्ट करके ऑस्ट्रेलियन ए लीग में कई बड़े बड़े क्लब्स जैसे पर्थ ग्लोरी, रोडा जैसी, मेलबोर्न सिटी, नॉर्थ क्वींसलैंड फ्यूरी जैसे क्लब्स के तरफ से भी खेल चुके हैं। इन्होंने उज्बेकिस्तान सुपर लीग में पख्ताकोर तस्केट, चाइनीज सुपर लीग में ग्वांगवो RF के तरफ से भी खेल चुके हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के U17 नेशनल टीम के भी हिस्सा रह चुके हैं। लास्टली, ये ए लीग में मेलबोर्न सिटी के तरफ से खेल रहे थे। तो ISL ट्रांसफर अपडेट में आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले एक वीडियो में। टिल देन, स्टे सेफ, बी हैप्पी। थैंक यू।